जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौसलों को कर बुलंद पूरे होंगे अरमान ऊंचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान राजयोग के राज को जान जिंदगी 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 बने 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 आसान, बने आसान, बने आसान। नमस्कार दोस्तों ओम शांति स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में दोस्तों जिंदगी में मुश्किलें तो तमाम है लेकिन फिर भी अगर होठों पर मुस्कान है तो फिर क्या कहने इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं हमारे साथ हैं बीके सतीश गुप्ता जी ओम शांति वेलकम टू आर शो भाई जी भाई जी आ, बात कर रहे हैं हम खुशी की कहीं ना कहीं खुशी खोसी गई है आज हम हर छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं लेकिन असल मायने में खुशी का क्या अर्थ है See, दो तरह खुशी होती है एक तो होता है ना? जी इसे इंद्रियों का सुख कहते हैं देखने का सुख पढ़ने का सुख आपकी कोई फेवरेट आपकी चीज़ पढ़ने को मिल जाए सुनने का सुख बोलने का सुख खाने का सुख छूने का सुख ये है इंद्रियों का सुख जो हमारे जीवन को एडिक्टिव बना देता है जो चीज़ मुझे खाने को अच्छी लगती है वही खाऊंगा जिससे बोलना है उसी से मेरी बात चलती रहेगी है ना बिल्कुल जिसको देखना चाहता हूँ वही देखता रहूँगा जिसको सुनना चाहता हूँ उसी से मेरी बहुत लंबी लंबी बातें होंगी तो इससे एडिक्शन जैसा हो जाता है इट अल्टीमेटली लीड्स टू डिस इज ड बीमारी पैदा होती है तो एक जैसे एडिक्शन जैसा हो जाता है एक होता है अत्यन्द्रिय सुख अत्यंद खुशी इसमें जो मैं हूँ बींग हूँ आई एम ए बींग विद दिस ह्यूमन बॉडी तो ये जो फीलिंग है कि मैं जो हूँ वो इमोटल है बॉडी मॉटल है तो ये जो फीलिंग है कि आई एम द बींग एंड सुप्रीम बींग इज ऑलवेज विद मी एट दैट जो फीलिंग है वो अत्यंद्रिय सुख जैसे कहने अत्यंद्रय खुशी कहें वो हील करती है ओके okay. तो आज संसार सारे संसार में यही खुशी व्याप्त है जिसे अलभकाल का सुख कहते हैं बिल्कुल इसे कहा गया अलपकाल का सुख कागविष्ठा के समान मतलब थोड़ी सी खुशी उसके पीछे बहुत सारा गम बहुत सारी उदासी होती है आप कुछ गलत खा लीजिए आपको डायबिटीज है आपको हार्ट की बीमारी है फिर आपको उसके बाद शुगर बढ़ जाएगी आपको हार्ट की बीमारी बढ़ जाएगी तकलीफ होगी आपको एसिडिटी होगी गैस बन जाएगी तो इतना सा जीप को अच्छा लगा किंतु बाद में क्या हुआ hmm. प्रॉब्लम हो गई बिल्कुल। इसी तरह से खाने की बात है तो वो फिर हमारे देखने की बात है आपने देखा सही आपका प्रिय कोई मूवी आ रही है तीन घंटे आपने कॉन्स्टेंटली देखी बट बाद में क्या होगा hmm. सिर दर्द हो जाएगा आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा ने? बिल्कुल भाई जी आज जब हम बात करते हैं प्यार की कहीं ना कहीं प्यार खोसा गया है आज हम वस्तुओं में वैभवों में व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं प्यार सच्चे प्यार को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं खोसा गया है ऐसा क्यों हो रहा है से जो प्यार है जैसे शब्द जो प्यार कहें प्रेम कहें एक ऐसा शब्द है जो सभी को आवश्यकता है राइट जी इसके बगैर शायद जीवन पॉसिबल नहीं है जी और वो प्यार क्या है मतलब हम लोग प्यार तो कहते हैं प्यार सभी शब्द इस्तेमाल करते हैं बट उसका रियल मीनिंग क्या है आज जो समाज में तकलीफ है प्यार की सो so कॉल्ड प्यार लोग ढूंढ रहे हैं वो कंडीशनल लव को ढूंढ रहे हैं कंडीशंस okay. के साथ लव है मतलब आप ऐसा करो तो आई केयर फॉर यू लव बेसिकली मीन्स केयर राइट जी तो एक हम वो केयर आप कंडीशंस है माँ बाप की भी बच्चों का कंडीशन है आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ अच्छी पढ़ाई करो तो वी फॉर यू अगर आप बच्चों के भी पेरेंट्स के लिए कंडीशन हैं पति पत्नी के संबंध में भी कंडीशंस हैं अगर हम बिजनेस में हैं वहाँ भी कंडीशन हैं वर्क प्लेस पर भी कंडीशन है सो एवरीवेयर देर कंडीशन सो कंडीशनल लव है राइट कंडीशनल केयर है और वो कंडीशनल केयर है जब तक वो कंडीशन क्लॉजेस के रूप में है तब तक तो है ट लीड्स टू इनसिक्योरिटी अनस्टेबिलिटी और आज समाज में स्पेशली यंग वंस को जो डिप्रेशन हो रहा है साइकोसिस हो रहा है स्केजोफ्रेनिया हो रहा है एक बहुत बड़ा कारण है यंग mm एज -hmm. में जो होने का इंसोमिनिया mm -hmm. नींद नहीं आ रही है एक बहुत बड़ा कारण है तो ये जो है जो रियल प्यार की डेफिनेशन है वो है अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरी अर्थात निस्वार्थ भाव से और आदर के साथ हर एक की केयर करना ये है सच्चा प्यार ये नरिश करता है हमारे सिस्टम को और स्पेशली हार्ट को और आज इस प्यार की कमी होने के कारण से एक बहुत बड़ा कारण है उसका ये जिससे कि हार्ट की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं पहले सौ में से एक आदमी को हार्ट की बीमारी हुआ करती नाइनटीन में जी।

किंतु ये बीमारी अभी जैसा आप जानते हैं अभी बीमारी बहुत तेजी से अभी तो थर्टीज में आने लगी है इवन बिफोर थर्टी बिफोर थर्टी की एज में आने लगी है। अच्छा तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि प्यार की कमी के कारण सबसे ट्रू लव की कमी के कारण हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है हाँ अगर हम देखें ध्यान से अगर हम देखें 1960 में भारत में जॉइंट फैमिली सिस्टम था जी भगवान में विश्वास था आपस में प्यार था फैमिलीज में प्यार था मनुष्य में प्यार था वस्तुओं से प्यार नहीं था जब सेवेंटीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ औद्योगिकरण शुरू हुआ तो जॉइंट फैमिलीज टूट गई करेक्ट न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई जी बच्चे की शादी बच्चा गया शहर में उसकी वहीं शादी हो शादी हुई फिर वही वाइफ साथ रहने लगा पेरेंट्स अलग हो गए बच्चे अलग हो गए जो फेथ सिस्टम था अब टूट गया फेथ जो घर में प्रैक्टिस थी फेथ की वो खत्म हो गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी एक यंग व्यक्ति के ऊपर आ गई राइट right? और खान पान भी बदल गया जो वहाँ था गांव में खाना पीना था मोटा खाना मोटा पहनना बहुत सैर करना बहुत फिजिकल काम करना वो खत्म हो गया नहीं। right? नहीं। और स्ट्रेस बढ़ गई बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई स्ट्रेस बढ़ गई और स्ट्रेस की वजह से एडिक्शन बढ़ गए स्मोकिंग एल्कोहल बढ़ गई करेक्ट डे नाइट शिफ्ट तो नाइट में रेस्ट नहीं मिला नाइट हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो गई सो ये बहुत सारी बातें सब मिलकर के क्या क्या हुआ सेवेंटीज में बीमारी फिर बढ़नी शुरू हुई अच्छा तक तो में ठीक चली। जी। फिर सेवेंटीज में बढ़नी शुरू हुई और 2000 आते आते लगभग 9 परसेंट हो गई सो में से नौ लोगों को हार्ट की बीमारी होने लगी और जो बीमारी साठ सत्तर में आती थी वो अभी चालीस में आने लगी और नाइन्टी फाइव के बाद तो ये आने लगी एट तो थर्टीज में थर्टी सेवन थर्टी एट में आने लगी और फिर दो हजार के बाद तो अभी तो तीस के नीचे पच्चीस छब्बीस पे भी आने लगी बिल्कुल बीस पे आने लगी तो अभी तो दो हजार पंद्रह में तो आप देख रहे हैं कैसी हालत है जी बिल्कुल ये नंबर वन किलर है विश्व में मतलब भारत में स्पेशली थर्टी परसेंट डेथ हार्ट डिजीज से ही होती है oh. सो में से थर्टी परसेंट अगर आप देखेंगे दो हजार पंद्रह में लगभग एक एस्टिमेट के अनुसार hmm. लगभग बासठ मिलियन सिक्सटी टू मिलियन मतलब सिक्स पॉइंट टू करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी थी oh. तो ये तो सिर्फ एक एस्टिमेट है ना? Hmm. क्योंकि किसी को भी हार्ट की बीमारी कब होगी पता नहीं जी. कोई मैसेज नहीं आएगा आपका ई या आपका पास कुछ ऐसा मैसेज आएगा कि आपके आपको आज हार्ट अटैक आने वाला है या आप हार्ट के पेशेंट बनने वाले हैं कुछ को नहीं पता है कब आएगा आप नॉर्मल हैं ठीक ठाक चल रहे हैं खा पी रहे हैं और अचानक से आपको हार्ट की दर्द होगी और आप हार्ट अटैक हो सकता है मृत्यु भी हो सकती है बिल्कुल तो ये पता नहीं है इसलिए कहते हैं हर एक हार्ट जो डॉक्यूमेंटेड हार्ट पेशेंट के पीछे दो ऐसे पेशेंट छिपे हुए हैं जो कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है सही महीने देखो तो अठारह करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी है अठारह उन्नीस करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी और हा ये बीमारी किस कि हार्ट हार्ट अटैक किसको हो सकता है जिसके पास भी हार्ट है जिनको हार्ट नहीं है उनको हार्ट अटैक नहीं आ सकता बिल्कुल तो किसी को भी आज कभी छाती में दर्द हो जाए कुछ घबराहट हो या जलन फील हो तो हमारा दिल हमारा ध्यान एकदम हार्ट के ऊपर जाता है करेक्ट और आज तो किसी भी उम्र में हमारे पास अभी पीछे ही एक पेशेंट था अठारह उन्नीस साल का था अचानक छाती में दर्द हुआ और लड़का ही था तो शायद ट्वेल्थ में था तो उसको छाती में दर्द हुआ डॉक्टर्स ने सोचा कि ये तो इसको शायद चेस्ट पेन वैसे होगी बोन्स की पेन हो रही होगी हो बोन्स या एसिडिटी या इसकी पेन होगी और जितना उसको दवाई दी उतना और घबराहट बढ़ती गई पसीना आना शुरू हो गया oh फिर okay. इसे जी करके देखा तो उसको एकदम फ्रेंक एम आई था फ्रेंक हार्ट अटैक हुआ था तो मतलब अभी किसी को भी आज हमारी इंस्ट्रक्शन यही होती है हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट किसी भी एज का मेल और फीमेल अगर चेस्ट पेन लेके आता है इमीजिएटली इसे करके देखो hmm. किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है और कभी भी हो सकता है जी। तो ये आज हार्ट अटैक की बीमारी इतनी भयावह हो गई है इतनी बढ़ गई है आज सो में से लगभग पंद्रह लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी है शायद ही कोई परिवार को इसमें किसी ना किसी को हार्ट की बीमारी ना हो hmm. हर सातवें आदमी को हार्ट की बीमारी है और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि दिन पे दिन जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रही है तनाव बढ़ रहा है और बढ़ती जाएगी ओके okay. तो इसका मूल कारण क्या है अगर आप हमें ये बता सके तो कारण जानेंगे तो शायद उसका निवारण भी निकल पाए राइट right. कारण जो है जहाँ तक कारण की बात है कारण जैसे मैंने आपको पहले भी इशारा दिया मेन कारण जो है आज से कुछ साल पहले 20 साल पहले 25 साल पहले हम कारण समझते थे शायद ब्लड प्रेशर एक जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको अधिक हार्ट की बीमारी होती है करेक्ट जिनको डायबिटीज होती है उनको हार्ट की शुगर की बीमारी उनको ज्यादा हार्ट की बीमारी होती है

और जो सीडेंट्री हैं मतलब ऑफिस में काम करते हैं सुबह गए शाम को सुबह कार से या बस से गए शाम को आ गए और बस कुछ एक्सरसाइज नहीं कुछ वॉकिंग नहीं आराम से ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं काम करके आ जाते हैं फिजिक मेंटल वर्क करके आते हैं तो उन लोगों को मतलब जो है ये ये छह कारण मुख्य गिनते थे okay. और सातवां कारण गिनते हैं फैमिली हिस्ट्री क्या आपकी फैमिली में अगर किसी को हार्ट की बीमारी मारीट्री एडिट्री तो थर्टी परसेंट चांस है आपको हार्ट डिजीज होने के ओके तो ये मतलब मुख्य छह सात कारण गिनते थे जिनको कि तो फिर नाइन मिड नाइन्टीज में नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव में हमने देखना शुरू किया कि ऐसे लगभग ऐसे काफी पेशेंट्स आ रहे हैं और यंग वंस जो ऐसे आ रहे हैं जिनको ना ब्लड प्रेशर है ना डायबिटीज है ना स्मोकिंग करते हैं डेली वॉक करते हैं मोटे भी नहीं है कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है और फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है ओके धीरे धीरे संख्या बढ़ी पचास परसेंट के आसपास ऐसे आधे केस ऐसे हो गए इनको इन सब के बिना भी हार्ट अटैक आ रहा था okay. तो तब पता लगा कि मेन कारण क्या है तब देखने में आया कि जो स्ट्रेस स्ट्रेस, है, तनाव, साइकोसोशल mm -hmm. ऐसे वो लोग थे जब उनकी हिस्ट्री ली गई पता लगा कि वो ऐसे लोग हैं जो हर समय जल्दी में रहते हैं प्रेशर में रहते हैं टाइम का प्रेशर काम का प्रेशर परफेक्शन का प्रेशर जैसे मैं कहूँ उसके हिसाब से ही काम होना चाहिए mm. नहीं हो, जब तक तो काम पूरा नहीं तो एंजाइटी एंजाइटी एंगजाइटी में चिंता लगी रही काम क्यों नहीं हुआ कैसे होगा कब पूरा होगा और मेरे हिसाब से काम नहीं तो गुस्सा आ जाए और गुस्सा क्रोध क्रोध इट गुस्सा अपने आप में जो ज्यादा गुस्सा करते हैं उनको ज्यादा हार्ट अटैक okay. जो उदास हो जाते हैं बात बात पे मूड ऑफ हो जाता है उनको ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं ऐसे ही जो लोग अपने मन की टेंशन को शेयर नहीं करते टेंशन को कई लोग होते हैं वाइफ को क्या बताना

क्योंकि बहुत जरूरी है अपने मन की बातों को शेयर करना जी विदेशों में लोग पेट डॉग से शेयर करते हैं पेट कैट से शेयर करते हैं उनको भी हार्ट अटैक कम होते से रिलीज हो जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। और बिहेवियर वाले लोगों को ज्यादा ढूंढते रहते हैं दोष ढूंढते रहते करती है वो ऐसा करता है इसने ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों करते हैं

क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमारे जींस में कुछ ऐसा कुछ है, तो okay. तो है। right. हालांकि okay. मतलब ये देखने में मैं इसको बताऊँ इसलिए से हम रख सकते हैं भारत में ही अगर देखें तो शहरों में एक परिवार है गाँव में उसके चार मतलब कोई हस्बैंड वाइफ उनके चार बच्चे हैं दो लड़के दिल्ली में इंडिया में इसमें शहर में, में सेटल हो जाते हैं दो लड़के गांव में रहते हैं उनकी फैमिली बन गई तो देखने में जो शहर में रहने वाले लड़के हैं जो उनके जो, जो जो वो हैं उनको की बीमारी होती है okay. तो ये 14, 14 -15 में की बीमारी और गाँव में आज भी सिक्स टू सेवन परसेंट है अच्छा। आधी है तो इससे क्या सिद्ध होता है वो दोनों भाई, चारों भाइयों में जीन्स तो एक ही माता पिता के बिल्कुल किंतु तो उनको बिकॉज ऑफ लाइफ उनका लाइफ गांव में रहने वाले का खाना पीना ज्यादा फाइबर वाला है रोज काफी फिजिकल गांव, खेत में काम करते हैं और रहते हैं पेरेंट्स की सपोर्ट है प्रेशर गांव की सपोर्ट है प्रेशर नहीं है और जो शहर में दो भाई रहते हैं उनको क्या है करेक्ट एंजाइटी उनको एंजाइटी है प्रेशर हैं, खान पान गलत है शैर करने का समय नहीं है रात को लेट सोते हैं लेट उठते हैं प्रेस है गांव में जल्दी सो जाते जल्दी उठ जाते हैं तो वो लाइफ लाइफ दिस इज लाइफस्टाइल ओके तो ये देखने में इस, इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइफ लाइफस्टाइल ज्यादा इम्पोर्टेंट है करेक्ट नेचर सेम है नर्चर जो है नर्चर हम्म जो पालना मिल रही है वो उसका वो बड़ा असर पड़ता है डॉक्टर तो साहब बात जब हम कर रहे हैं लाइफस्टाइल की क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल सके कि आप हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं अगर मुझे पहले से पता चल जाए कि ये सिम्टम्स शायद हार्ट डिजीज के सिम्टम्स हैं तो मैं शायद उस चीज़ पर जीत हासिल कर सकूं सबसे पहली बात किसी व्यक्ति को तीस साल का हो पच्चीस साल का हो अगर उसको चलने में सांस फूलने लगता है जो पहले नहीं फूलता था स्पेशली जब हम ट्रेन पर जाते हैं ट्रेन हमें कैच कर और फ्लाईओवर होता है ना हमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाना पड़ता है और हमारे हाथ में यूजली बैग होता है जाने के लिए हमारे पास कैरी बैग तो होगा ना बिल्कुल बिल्कुल तो हम जब नॉर्मली लास्ट टाइम गए थे तो तीन महीने पहले तो हम तो तो हमें कुछ तकलीफ नहीं हुई थी वी कुड क्लाइम नाइसली और इजीली हम पहुंच गए जल्दी में भी आदमी होता है और जब इस बार जा रहे हैं तो लगता है थोड़ा सा ब्रेथलेस आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हैं राइट आउट ऑफ ब्रेथ हो रहा है कुछ दिल में धक 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 हो रही है ये थोड़ा छाती भारी हो गई डिस्कम्फर्ट हो गया चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाना

और वो वो डिस्कम्फर्ट या वो पेन वो फिर बाएं बाजू में इस तरफ छोटी उंगली की तरफ जाती है ओके okay. छोटी उंगली की तरफ इस तरह से जाती है ठीक है कई बार नेक में भी जा सकती है अच्छा और कई बार दांत में सिर्फ कहीं नहीं जाती कई बार फाट में भी दर्द नहीं होता नहीं सिर्फ दांत में दर्द होने लगती है मोल जौ में okay. तो जौ में जो दर्द होती है वो दर्द जो होती है और वो उसमें घबराहट साथ में होती है तो जौ में दर्द हो तो अगर अंदर दांत में दर्द हो तो घबराहट नहीं होती है क्योंकि तो दांत में दर्द और घबराहट हो रही है तो प्रॉब्लम ये हार्ट की दर्द है ओ, okay. आपको हार्ट में कुछ नहीं हो रहा है और दांत में घबराहट हो रही है मतलब बाद इट इज बिकॉज ऑफ हार्ट ओके ओके बैक में नहीं जाता है छाती के लेफ्ट साइड बीच में नहीं कई बार हो सकता है छाती okay. तो okay. तो का दर्द बीस मिनट से अधिक है साथ में घबराहट है साथ में पसीना आ रहा है जोर से और अगर आपको नोजिये की फीलिंग है उल्टी जैसे आने की फीलिंग हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करें ओके दिल में धक धक हो रही है कमजोरी बहुत लग रही है लग रहा है कि आप मेरी अभी अभी मृत्यु हो जाएगी सिंकिंग फीलिंग आ रही है तुरंत तुरंत डॉक्टर करें कराएं तो ये आपका हार्ट अटैक हो सकता है ओके ओके आर आर द द सिम्टम्स सिम्टम्स और कभी ऐसा होने के बाद उसको घेर ना लें पेशेंट को घेर ना लें कई लोग होते हैं ना चार पचास घेर नहीं जमाएं उसको खुले में छोड़ दें और उसको उसको लिटा दें नहीं तो बैठे में कंफर्टेबल तो बैठे में रखें किंतु उससे कोई एक्सरसाइज ना कोई उसको ऐसा नहीं कि उठा करके चलाएं खड़ा करके खड़ा कर दें या उसको हम लोग कहें कि तुम इधर आ जाओ नहीं वो करना है तो उसे उठा के ले जाए ओके okay. राइट चलाएं नहीं उसको एकदम स्टिल कर दें ये इम्पोर्टेंट बात है ओके okay. और तुरंत डॉक्टर की मदद मांगे ई सी जी, जी और जो भी दवाइयाँ हैं फिर उसके डॉक्टर वो उसमें और कुछ आप सीख भी सकते हैं हर एक आदमी कुछ न बातें सीख सकता है जरूर Uh, डॉक्टर साहब सिम्टम्स तो हमने जान लिया अब सोल्यूशन क्या है जो मेन बात है आज हार्ट uh, तो काफी सारे जैसे आपने कहा कि कितनी बड़ी बीमारी बनती जा रही है ऐसे में कुछ ए, ऐसे सोल्यूशन ऐसे कुछ टिप्स जो आप दे सके जिससे हम शायद इस बीमारी से बच सके तो वो कौन सी चीज है टिप्स जहाँ तक बात है सोल्यूशन की सोल्यूशन तो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन टॉपिक हो गया करेक्ट किंतु ये हमें समझना पड़ेगा कि आज ये वर्ल्ड में नंबर किलर है करेक्ट लगभग भारत में अकेले भारत में लगभग सिक्स मिलियन लोगों को हार्ट अटैक हर साल होते हैं फ्रेश हार्ट अटैक्स होते हैं लगभग लाख लोगों को फ्रेश हार्ट अटैक्स होते हैं और उसमें से टोटल और मैंने बताया मिलियन टू करोड़ लोगों के डॉक्यूमेंटेड हार्ट पेशेंट्स भारत में है और सिक्सटी लैक्स को हर साल हार्ट अटैक हो रहे हैं और हम सिर्फ एक या दो लाख लोगों को एंजियोप्लास्टी या बाईपास कर पाते हैं Okay. एक लाख आपका एनजीओ प्लास्टिक या डेढ़ लाख और कुछ थोड़े से बाईपास लाख के आसपास बाईपास कर लाख लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और उसमें से कुछ लोग पुराने लोगों को नए भी हो नए हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं पुराने वाले पुराने वालों को भी दोबारा हार्ट अटैक आ हा जाते हैं करेक्ट जी तो कितने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं हम कितना कर पा रहे हैं hmm. अगर हम सारे देश का बजट भी उसमें लगा दें लोगों के एनजीओ प्लास्टिक बाईपास करने में तो भी हम उसे पूरा नहीं कर सकते और एनजीओ बाईपास को सोल्यूशन जो ये सोल्यूशन है आज दुनिया में सोल्यूशन ये वाला है बाईपास जो दुनिया में कहते हैं ना भी अगर आपके हार्ट की आर्टरी बंद हो गई हार्ट अटैक हुआ तो एनजीओ प्लास्टिक करा लो बाईपास करा लो तो ये सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं है ये एकदम स्टॉप गैप मेजर है बाईपास सिर्फ टाइम पास है एनजीओ भी टाइम पास है एक्यूट स्टेज में जब किसी को हार्ट अटैक होता है विद इन थ्री आवर्स अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और जहाँ पर एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो तो पहले तीन घंटे में अगर एंजियोप्लास्टी कराओ करा सको तो इसके पता प्राइमरी एंजियोप्लास्टी प्राइमरी पीसीआई कहते हैं वो हेल्पफुल है तीन घंटे के बाद एंजियोप्लास्टी का मतलब नहीं है अच्छा ओके okay? तो ये जो है जो सॉल्यूशन है प्रेजेंट सॉल्यूशंस हैं ये टेंपरेरी सॉल्यूशंस हैं हम्म हम इसमें भी कह सकते हैं पेलिएशन रिलेशन मीनस जैसे बीमारी ला इलाज हो जाती है तो हम क्या करते हैं जब तक जीए थी थोड़ा कुछ कर देते हैं थोड़ा कुछ कर देते हैं फिर फिर, फिर बंद हो जाए फिर थोड़ा सा कुछ कर देते हैं थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं तो यू डोंट बिकम नॉर्मल राइट करेक्ट रियल so, क्या और इतने सारे लोगों को हार्ट की बीमारी है तो क्या करेंगे मैंने बताया इतने सारे डॉक्टर कहाँ से लाएंगे बिल्कुल टोटल भारत में ही दो के आसपास ऐसे लोग हैं जो इंडिया कर सकते हैं डॉक्टर्स डॉक्टर दो हजार से भी कम और पेशेंट कितने साठ करोड़ साठ साठ लाख मतलब हर साल डॉक्टर साहब आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हम अपनी लाइफ को बेटर करें और हेल्दी खाना खाएं सही टाइम पे सोएं और लाइफस्टाइल को बेटर करें बेसिकली तो ऑटोमेटिकली हम हार्ट डिजीज से अपने आप को जीत हासिल कर सकते हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो ओम शांति दोस्तों आज हमने क्या जाना हार्ट डिजीज़ जिसके बारे में हम इतनी सारी बातें सुनते तो आए लेकिन कहीं ना कहीं आज हमने अपनी गलतियों को भी समझा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ इतनी बढ़ती जा रही हैं वो है लाइफ अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर करें जिसके बारे में आगे की सीरीज़ में आप जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं ज़रूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान शांति अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान ब्रह्मा कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो शांतिवन आबू रोड कॉल एट जीरो नाइन फोर नाइन वन थ्री फोर एट सेवन जिंदगी बने आसान एट गॉडलीवुड स्टूडियो डॉट ओ आर जी कहीं खो गया इंसान। मंजिलें मिल जाएंगी जरा खुद को खुले तू जा होंगे पूरे हर मुश्किलें मिट जाएंगी ओ चेहरों पर मुस्कान वो चेहरों पर मुस्कान मुस्का। तू राज को जान जिंदगी बने आसान जिंदगी बने आसान जिंदगी बने आसान